फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आओ खेले 47। और हमेशा की तरह एक बार पहले ही, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा चैनल एक कॉमेडी गेमिंग चैनल है और इस पर आते कुछ कॉमेडी फनी वीडियोस और साथ में आते कुछ गेम प्लेज भी, खासकर हॉरर गेम। और एक हॉरर गेम है, इसका नाम है फाइव नाइट्स एट जेसन द किलर हॉन्टेड हाउस। तो मेरे ख्याल से ग्रैनी जैसा गेम है और हमारे पास है 5 रातें यहाँ से निकलने के लिए। और इसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि यही है वो बंदर जिससे हमें बचना है। तो इसे प्ले करके देखते हैं और देखते हैं अभी सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। जब मैंने ग्रैनी शुरू किया था तो मुझे लगता था कि भाई 5 दिन बहुत हो गए, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल था। देखते हैं इसका क्या होता है। क्या भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? I am locked with this stranger. Yeah, I should get the key from different source, different house doors and get deeper into to find the way out. तो ये कह रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो भी कोई है, ये जो एयर छाप लोग आ जाते हैं कहीं से, पता नहीं क्यों फंस जाते हैं। तो ये भी जो भी कोई है इस स्ट्रेंजर के साथ फंस गया है और इससे अभी यहाँ से निकलना है। और उसे ये कह रहा है कि बहुत सारे दरवाजे हैं, चाबियाँ हैं, उसे फाइंड करो और वो दरवाज़े खोलो, शायद अब इसकी तह तक जाए और आपको कहीं निकलने का रास्ता मिल जाए, ऐसा कुछ है। और कुछ हम बचने का रास्ता मिल सकता है इससे, इस आदमी के जो भी कोई है ये किलर, उससे, उसके हाथ में आने से हम बच सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। है बहुत ही खतरनाक, लेकिन वो यार कहीं भी भाग जा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे रास्ते याद कैसे रहेंगे। भगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ पे भगा रही हूँ, कितने दरवाजे और कितने चाबियाँ हैं मुझे खुद पता नहीं है। और क्रॉस लगे हुए हैं, मैंने चाबी उठाई येलो कलर की और यानी कि मैंने एक दरवाज़ा खोला, लेकिन रेड कलर के जो क्रॉस बने उसके लिए रेड चाहिए हमें कि वो कहाँ से ढूंढे यार, और जाना किधर है मुझे रास्ते नहीं याद रहेंगे। दरवाजे किसने खोले? Yeah.
वो क्या आगे ओ ओ टच करने से हाथ को हाँ हाथ में टच करने कितने कितने हाथ हैं you
बातें मुझसे नहीं होने वाला। हट। खेलने का तरीका शायद कुछ गलत हो रहा है।
पे। यार मुझे देखना था कि वहां पे क्या लिख के आया था कि आपको क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझसे वहां पे क्या चाहिए। Thank you.
ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से येलो की हासिल करती हूँ, रेड की हासिल करती हूँ और उस दरवाजे तक उसे पहुँचाती हूँ, और तब वहाँ से मैं ये गेम एक तरह से मैं उतना गेम में वो वीडियो हटा देती हूँ और वहाँ तक ले जाती हूँ उसको, और वहाँ पे क्या मिलता है वो मैं देखती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी, हमें पता है कि भाई यहाँ वहाँ घूमते कहीं ना कहीं ये मिल जाती है, इसे रेड की है येलो की मिल जाते हैं, ऐसे ही हम घूमते रहेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हमें सिर्फ उस दरवाजे तरफ जाना है, हमें पता है कि वो, यानी थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है वो किस तरफ होता है, जहाँ पे हमें वो टब वगैरह मिलता है उसके अगर हम सीधे तरफ ही जाते रहे आगे की तरफ, तो वो अजीब से कमरे आ जाते हैं जहाँ पे वो कहीं पे वो खोपड़ी टाइप रहता है, तो मुझे जाके देखना है, तो मैं ऐसे ही में घुमाते रहूँगी इसे, तो बहुत बड़बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे एडिट कर देती हूँ एक तरह से, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके वहाँ तक उसे पहुँचा देती हूँ। इसमें क्रिमजन की चाहिए यार, रेड की है हमारे वो रेड दरवाज़ों के लिए, येलो की है येलो के लिए, और उसका जो मेन है वो अभी क्रिमजन की, अभी वो कहाँ ढूंढे, क्योंकि इतना घूम घूम के भी मुझे कोई क्रिमजन कोई की तो मिली नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैं घुमाती हूँ यहाँ वहाँ, और जैसे ही मुझे मिलती है क्रिमजन की मैं वहाँ से इस गेम को बताती हूँ, क्योंकि बहुत घूम घूम के बहुत लंबा। खोल दिया, क्या है? अरे भाई खोपड़ी फेंक दिया है क्या? यू मीट योर सेल्फ यू विन, ये क्या बकवास है यार, खुद से मिले हो तुम लोगों, खोपड़े वाले हम लोग थे, ये क्या बकवास है। फ्रेंड्स मुझे वो क्रिमजन की कहीं पे मिल गई, पता नहीं वो कहाँ पे थी, अब मैं क्योंकि मैंने जल्दी से ये क्या बोलते हैं यार, ये जो गेम का क्या बोल रही हूँ मैं बकवास, हाँ वो स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन वो मेरे से ये जो मैंने पॉज किया हुआ था रिकॉर्डिंग, वो मैं स्टार्ट करने वाली थी लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और वहीं पे मुझे मिल गई, मैंने जल्दी से उठा लिया और उसे आगे थोड़ा लेके आई ताकि मैं वहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों के साथ बोल सकूँ, तो वहाँ से मैंने उठा लिया, लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जल्दी से मैंने स्टार्ट का बटन नहीं दबा पाई क्योंकि वो पीछे पीछे आ रहा था, हमने बोला इतनी मुश्किल के साथ मुझे मिली है, तो अभी मैं ये नहीं बता सकती मुझे एक्चुअली कहाँ मिली, क्योंकि मुझे खुद अभी नहीं पता कि कहाँ पर मिली, मैं उसे बहुत आया यहाँ वहाँ, वो मुझे रेड कलर की ऐसे गोल गोल घूम रही थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये क्रिमजन की है क्योंकि उसका रंग थोड़ा सा ऐसा पिंक पिंक था, तो मैंने आगे जाके मुझे वहीं से रिकॉर्ड करना था कि मैं खुश होगी कि मुझे मिल गई, लेकिन मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, तो फ्रेंड्स वो उतना अभी पोर्शन चला गया और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया था, लेकिन
क्रिमजन की मुझे मिल गई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन फ्रेंड्स में यही है कि आप बता नहीं सकते, सारी चाबियां ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे होते, कहीं पे भी हो सकती है। जैसे मैं उसे लेफ़्ट साइड से बहुत शुरू कर रही थी ऐसी ही उस तरफ से, तो मुझे बहुत बार मुझे वहीं पे वो येलो की मिल जाती थी, इसलिए मैं उसे वहाँ पे लेके जाती थी। तो ऐसे नहीं कि हमेशा वहाँ पे वो होती थी, लेकिन कभी कभी हो जाती थी। तो मुझे लगता है इनकी जगहें बदलती रहती है। मैंने आपको जगह नहीं बता पाई कि कहाँ पर मुझे क्रिमजन की मिली, लेकिन क्या बोलती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे इतना ही पता ना है कि ये जगहें बदलती रहती है। मुझे ज़रूरत नहीं कि मुझे अभी जहाँ पे क्रिमजन की मिली वहीं आगे कहीं पे फिर जाके मुझे इस गेम में वहीं पे मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। तो मुझे पूरी तरह पता चल गया है कि इस गेम में सारी चाबियाँ अलग अलग जगह पे होती है, बस आप घूमते रहो भागते रहो आपको मिल जाती है। मैंने पहली दफ़ा ये गेम खेला है और मुझे खुशी है कि ये कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी, बार बार उसे मार रहा था। मुझे नहीं ठीक लग रहा था कि इस तरह का वीडियो भी कोई देखेगा, क्योंकि अच्छा नहीं है भाई, गेम पूरा होना चाहिए। और एक वैसी वही बात होते रहती है तो खुद खेलने वाले को भी बोर हो जाता है। और लेकिन मेरा पूरा यही कोशिश थी कि मैं नहीं, मैं ये करूँगी क्योंकि इसमें सिर्फ चाबियाँ ढूंढनी है, सिर्फ बोल रही हूँ मैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि मुझे वहाँ पे वो क्रिमजन की मिल गई। और लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ पे वो क्या मतलब है कि हम खुद को ही मिल जाते हैं, हम खुद से ही मिलते हैं। खोपटे वाले हम खुद होते हैं, हम अपने आप से भागते रहते हैं। क्या हमारी रूह अंदर से निकली होती, जिसे हम मानगुटी पकड़ रहे हैं अपनी रूह की और अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा खोपटा है उसके अंदर हम नज़र नहीं आते क्योंकि हमारी रूह बाहर घूम रही है। तो उसे लेकिन फिर भी अगर फिर हमारी रूह को हम अपने आप को मिलने क्यों नहीं दे रहे, ये क्या बात है। तो पता नहीं इसकी कोई स्टोरी हो सकती है जैसन जो जेसन द किलर की, मुझे नहीं पता। तो उस हिसाब से कुछ होगा शायद, तो इसकी कुछ सीरीज वगैरह हो तो हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कुछ ऐसा गेम है और इसने इसने बोल दिया कि भाई आप जीत गया। अभी इसमें आगे बता रहा है प्ले करने के लिए, तो पता नहीं वो क्या है। फिर भी मैं इसे प्ले करके देखती हूँ, मुझे पता नहीं ये गेम कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या है। अरे भाई ये तो वहीं लिख के आ गया, मैंने नीचे से वो प्ले कर दिया तो फिर से वहीं आ गया, क्या मतलब है, गेम फिर से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसा है कि भाई वहीं तक ये गेम है और आप फिर से शायद रीस्टार्ट ये गेम को करते हैं, तो हो सकता है वैसे ही हो या कुछ और आगे लिख के कुछ और नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे अफसोस बात का अभी भी है कि मैं वो जगह बता नहीं पाई कि मुझे वो क्रिमजन की कहाँ मिली। अगर वो मेरे पीछे नहीं पड़ा होता तो मैं ज़रूर वहाँ से रिकॉर्ड का बटन ऑन कर देती। तो लेकिन फिर भी आई होप मुझे क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे ही वर्ड नहीं मिल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, गेम प्लेस के लिए और हमारे जो दूसरे फनी वीडियोस है उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन होता है क्या, आइकन होता है, आइकॉन क्या, इंडियन क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल और कुछ आइकॉन पता नहीं। इसमें मैं गड़बड़ा रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या गेम है। सॉरी जो वर्ड है मैं उल्टे सुलटे ले रही हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं कह रही थी कि जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाइए हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर दोस्त है जो भी, वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, तो आप अपना ऐसा ही अनमोल साथ हमें देते रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जो नए व्यूवर्स है जो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मिलेंगे किसी गेम प्ले में अगले टाइम। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कोई नए गेम सजेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं कि मैं खेलूँ। तो फ्रेंड्स,